नमस्कार, स्वागत है आपका परफेक्ट टाइमलाइन में और मैं हूं अजय दीप सिंह। इस वक्त मैं जिस पुल पर खड़ा हूं, आप सभी इस पुल को जानते होंगे, लेकिन आप यहां पर ये गौर नहीं कर पाए होंगे कि किस तरह से आज या कहें कि पहले भी काफ़ी समय अब हो चुका है यहां पर ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तभी पुल पे मैं समय खड़ा हूँ। और आप देखिए जो ट्रैफिक है मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा है, मेन रोड कह लें ये है, ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या वजह है इस ट्रैफिक की, क्यों ये होता है, हम आपको बताते हैं कि तभी पुल पर हम खड़े हैं और यहाँ पर जो एक कंस्ट्रक्शन वर्क है वो हो रहा है, थोड़ा सा मरम्मत का जो काम है वो हो रहा है, लेकिन इसमें कोई गलती नहीं। अब आप ये सोचेंगे कि मरम्मत का काम अगर हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये काम अब काफ़ी समय हो चला है इस काम को हुए, अभी तक ये काम कम्प्लीट नहीं हो रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है, आखिर यहाँ पर क्यों इतना समय लग रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें पुल के जो ये जॉइंट्स हैं इनके मरम्मत इस समय चल रही है आगे, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक जो है वो जाम हो जाता है। और ये बिजी रोड है, मेन रोड भी हम इसे कह सकते हैं, तवी का जो पुल है वो जो है दो शहरों को, नए जम्मू पुराने जम्मू की अगर बात करूं, गांधीनगर छन्नी हिम्मत इस तरह का जो एरिया है इसको जोड़ता है दूसरे एरिया से, लेकिन यहाँ पर ये जो जगह है ये बहुत बिजी रहती है, जाम बहुत होता है, आम जनता काफ़ी ज़्यादा सफ़र करती है। और क्यों इतना समय लग रहा है इन पुल को ठीक होने में, उसका अभी कोई जवाब कहीं से नहीं है। जम्मू शहर में जाम की इस तरह की जब घटना जो है वो हमें देखने को मिलती है, जाम के इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिलती हैं। जम्मू की सड़कें पहले ही बहुत तंग हैं, पहले ही यहाँ पर इतनी बड़ी रोड नहीं बनी, लेकिन बावजूद उसके जो जाम है वो लगता है और लगेगा भी इसीलिए क्योंकि जो मरम्मत का काम है वो ठीक जो है वो नहीं हो रहा है और काफ़ी समय से ये है। तो आप देखिए कि कितना जाम यहाँ पर लगा है। हम हमेशा, आप भी और हम भी हमेशा इस सड़क से गुज़रते हैं, इस रोड से गुज़रते हैं, इस पुल से गुज़रते हैं, लेकिन जो जाम है वो हमेशा ऐसा ही लगा रहता है। कई दिन हो चुके हैं, अभी तक यहाँ पर इस बात की सुध नहीं ली जा रही कि इस कंस्ट्रक्शन, ये जो रेनोवेशन अगर मैं कहूँ, इसकी वजह से जो जाम है वो लगा हुआ है, तो जल्द से जल्द इस रेनोवेशन के काम को पूरा किया जाए। जो रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ये पुल के जॉइंट्स को, उन्हें जल्द से जल्द जो है रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। तो मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ और सरकार तक और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उस तक ये मैसेज जो है वो देना चाहते हैं हम, कि यहाँ पर जल्द से जल्द जो है इस रेनोवेशन वर्क को, जो पुल को ठीक होने का जो कार्य है वो पूरा हो सके, क्योंकि आम जनता जो है सफ़र करती है, यातायात प्रभावित होता है, लोग जो है दूर दूर से जम्मू शहर में आते हैं, वापसी उन्हें अपने घरों में करनी होती है, मेटाडोर्स वाले, ऑटो वाले, प्राइवेट गाड़ियों वाले, तमाम जो लोग हैं इस बात से काफ़ी नाखुश हैं और इस बात को लेकर वो भी चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पुल का जो काम पुनर्निर्माण का मैं कार्य कहूँगा इसे, इसे जल्द से जल्द ठीक करने का काम करे, क्योंकि इसकी वजह से बहुत जाम लग रहा है। तो जब ये इतनी बिजी रोड है, आपको समझ में भी आ रहा होगा कि इतना बिजी रोड है, यहाँ पर जो गाड़ियाँ जो चल रही हैं वो बहुत ज़्यादा आती जाती रहती हैं, गांधीनगर का इलाका है, जम्मू यूनिवर्सिटी का इस तरफ इलाका है, दूसरी तरफ परेड है, मेडिकल कॉलेज जीएमसी की बात करें वो है, तो दोनों जो शहर हैं, अगर हम जम्मू शहर की बात करें तो दोनों जो इलाके हैं उन्हें ये तवी पुल जो है जोड़ता है। काफ़ी पुराना पुल है, दोनों शहरों को ये जोड़ता है, जम्मू के पुराना शहर कहूँ या गांधीनगर और इस तरफ का जो इलाका है जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ, एक नया शहर है, लेकिन इसे जोड़ने का काम ये पुल करता है। रेनोवेशन होना भी ज़रूरी है, लेकिन इतना समय आखिर क्यों लग रहा है, क्यों नहीं जल्द से जल्द ये रेनोवेशन का जो काम है वो पूरा हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कि गाड़ियों का जो जाम है वो किस तरह से है, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि आपको गाड़ियों का जो जाम है ये आपको दिखाए, दोनों तरफ की तरफ से, इस तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी जो गाड़ियां हैं वो चलती हैं, बड़ी बड़ी बसें यहां से जाती हैं, एक तरह का ये हाईवे भी आप कह सकते हैं, तवी का जो पुल है ये एक हाईवे का काम भी करता है, क्योंकि कटरा के लिए, रामबन के लिए, भद्रवाह के लिए, पुंछ के लिए, कश्मीर के लिए जो लोग बाहर से आते हैं, आउट ऑफ स्टेट आते हैं, वो भी इस इलाके से जो है इस रोड से गुजर कर जाते हैं। जम्मू शहर जो पुराना शहर है, परेड, रघुनाथ बाज़ार,
तमाम जगहों के लिए, जीएमसी के लिए जो एम्बुलेंसेज जाती हैं वो भी इसी रोड से निकल कर जाती है, लेकिन जब रेनोवेशन का इतना काम स्लो हो जाए तो अपने आप में थोड़ा जो है वो दुख की बात है कि इतना समय क्यों आखिर एडमिनिस्ट्रेशन को लग रहा है, आखिर क्या ये वजह है। तो यहाँ पर जो स्कूटी चालक है वो फुटपाथ का रोड जो है अपनाने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं जल्दी से जल्द पहुँचने के लिए, जो सड़क आम लोगों के लिए बनाई हुई है फुटपाथ वहाँ से जो है जाने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ये जाम जो है वो लगा है काफ़ी समय से। मैं खुद इस सड़क से जब आता जाता रहता हूँ तो इस बात का अंदाज़ा जो है मैं भी लगाता हूँ आखिर आम जनता को कितनी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। आपको बता दें कि सिर्फ आम जनता ही नहीं, हम जैसे मीडिया कर्मी भी जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह सही टाइम पर पहुँचना ज़रूरी होता है, चाहे वो पुलिस की भी बात करें, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो जनता के लिए काम करते हैं, कुछ ऐसे विभाग हैं जो जनता के लिए काम करते हैं, मौके पर पहुँचना बहुत ज़रूरी रहता है। और यहाँ पर जब इस तरह का जाम देखने को मिले तो बहुत दुख की बात होती है। कई ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिन्हें टाइम पर पहुँचना बहुत ज़रूरी है, अस्पतालों में उन्हें एम्बुलेंस ले जाती है, लेकिन अगर वो मौके पर नहीं पहुँचे तो काफ़ी समस्या जो है खड़ी हो जाती है, लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो यहाँ पर ये मकसद है कि रेनोवेशन का काम हुआ है, बिल्कुल ठीक बात है, होना भी चाहिए, टाइम टू टाइम जो रेनोवेशन का काम है वो पुलों का होना चाहिए ताकि किसी तरह की कोई समस्या ना आगे चल के आए। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है कि जब इस तरह के रेनोवेशन के काम हो, मरम्मत के काम हो, तो वो जल्द से जल्द पूरे हों, उनमें ज़्यादा समय ना लगे, क्योंकि इस तरह की जो रोड्स हैं वो मेन रोड्स हैं, वो हाईवेज हैं, यहाँ पर यातायात बहुत आता जाता है, गाड़ियों की जो आवाजाही है वो भारी मात्रा में होती है, और अगर इतना समय लगेगा रेनोवेशन के काम को तो यातायात प्रभावित होगा, आम जनता प्रभावित होगी, और तमाम वो कर्मी जो उस विभाग के लिए काम करते हैं जहाँ जल्द से जल्द पहुँचना ज़रूरी है, चाहे वो पुलिस का डिपार्टमेंट हो, मीडिया का डिपार्टमेंट हो, डॉक्टर हो, मेडिकल टीम हो, तमाम ऐसे जो विभाग है जो जनता के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी समस्या होती है। तो ये इस वक्त की मैं कहूँ तो एक परेशानी की बात है, हमारे लिए नहीं तमाम लोगों के लिए, यहाँ पर जो गाड़ी से लोग जा रहे हैं, एम्बुलेंसेस भी जा रही हैं, बहरहाल वो दूसरे रूट से आगे के लिए जा रही हैं, लेकिन देखिए आपकी कितना जाम यहाँ पर है, बसें जो हैं यहाँ पर आकर खड़ी हो जाती हैं, तमाम जाम जो है यहाँ पर लगा हुआ है। और जम्मू शहर में इस तरह का जाम लगना जहाँ पर सड़कें पहले ही बहुत तंग हैं और वहाँ पर अगर हम ज़रूरत की चीज़ों पर ध्यान दें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप देखिए कि आर्मी की गाड़ी भी यहाँ से निकलती है और ये बहुत ज़रूरी है कि इतनी बिजी रोड को जल्द से जल्द ठीक किया जाए, जो मरम्मत का काम चल रहा है उसे पुनः जो है वो ठीक किया जाए। तो ये थी हमारी अभी की न्यूज़ अपडेट, हम चाहते हैं कि हमारा जो मैसेज है वो प्रशासन तक भी पहुंचे और जल्द से जल्द इस पुल की मरम्मत का काम पूरा हो ताकि यातायात आसानी से जो है हो सके और किसी तरह का किसी को कोई समय ना लगे, किसी तरह की किसी को कोई असुविधा ना हो, यही हमारा मकसद है। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप परफेक्ट टाइमलाइन के साथ बने रहिए, मुझे दीजिए इजाज़त मेरे कैमरा पर्सन सुनील शर्मा के साथ।